हेलो फ्रेंड्स, जय द्वारकाधीश। वेलकम बैक टू माय चैनल काजल्स किचन एंड व्लॉग्स। में आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर, वो भी शाही तरीके से। शाही पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम पनीर, उसे मैंने क्यूब में काट लिया है सभी सेम पीसेस में। एक मीडियम साइज टमाटर, आधी कटोरी दूध, घी, धनिया, दही और यहाँ पे काजू लिया है, उसे हम अच्छे से भून लेंगे। लहसुन, अदरक और एक मीडियम साइज प्याज, दो तेज पत्ते, एक लेमन, लौंग 5-6, दो दालचीनी, तीखी मिर्च 5-6, इलायची। मसाले में मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, नमक और धनिया पाउडर। गैस की मीडियम फ्लेम पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें 2 चम्मच घी ऐड करूँगी। घी को अच्छे से गरम कर लेना है। हमारा घी गरम हो चुका है, अब इसमें मैं काजू ऐड करूँगी। काजू को हमें गैस की मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैं बाकी चीज़ों को भी रोस्ट कर लूँगी, प्याज, लहसुन और अदरक को भी। देखिए, ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसे और 2 मिनट तक हमें पकाना है, इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। अब इसे भी 2 मिनट रोस्ट कर लेती हूँ। अब सारी चीज़ों को मैं एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करने के लिए रखती हूँ, उसके बाद हम इसकी पेस्ट बना लेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, अब इसे मैं एक मिक्सी की जार में डाल के अच्छे से इसकी पेस्ट बना लेती हूँ। इसके अंदर हमें पानी, नमक कुछ भी ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट इसकी अच्छे से पेस्ट बनानी है। देखिए, हमारी पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी है। अब सारी चीज़ें रेडी हो गई है, अब हम शाही पनीर का तड़का लगाएंगे। फिर से इसी कढ़ाई में हमें 4 टेबलस्पून घी ऐड करना है। घी को अच्छे से गर्म होने देना है। हमारा घी गरम हो गया है, 2 तेज पत्ते, 2 दालचीनी, इलायची, लौंग और काली मिर्च ऐड करना है। गैस की मीडियम फ्लेम पे हमें सभी मसाले को घी में अच्छे से सोते कर लेना है, ताकि इसकी खुशबू है वो घी में बैठ जाए। उसके बाद हमें ये पेस्ट बनाई थी उसको ऐड करना है। इसको अच्छे से हम गैस की मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। जब तक इसमें से पानी जल ना जाए, तब तक हमें इसे पकाते रहना है। देखो, अब इसमें ऊपर घी दिखने लगा है, मतलब कि हमारी पेस्ट अच्छे से पक गई है। अब मैं इसके अंदर आधी कटोरी दही ऐड करूँगी। दही को भी हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स करके पका लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। देखिए, इसके ऊपर भी घी आने लगा है, दही अच्छे से पक गया है। अब मैं पनीर ऐड करूँगी। पनीर ऐड करने के बाद भी हमें इसे पकाना है। हमारी पेस्ट और पनीर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हमारी आज की रेसिपी ये शाही है, तो हम सभी चीज़ें यहाँ पे शाही यूज़ करेंगे। तो अब इस पनीर को हम दूध में पकाने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं 1/2 बाउल दूध ऐड कर रही हूँ।
दूध को हमें गैस की हाई फ्लेम पर ही पकाना है ताकि हमारा दूध है वो फट ना जाए। अब हमारा दूध पक गया है, अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार होने को आई है। इस मसाले को भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। देखिए इसका टेक्सचर, मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं इसके ऊपर, मतलब कि हमारा शाही पनीर बनकर बिल्कुल रेडी है। देखिए अब मैं इस शाही पनीर को अच्छे से सर्व कर दूंगी एक प्लेट में। लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। देखिए इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है, तो खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। मैं इसके ऊपर थोड़ा धनिया डालती हूँ गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा फ्रेश अमूल क्रीम ताकि इसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाए और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगे, और थोड़ा सा काजू गार्निशिंग के लिए। लग रहा है ना सुपर। गार्निशिंग के बाद हमारी डिश जो है वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आज का हमारा वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसे लाइक भी कीजिएगा। अगर ज़्यादा पसंद आए तो इसे शेयर भी करना ना भूले। थैंक यू एंड बाय बाय।